प्रशासन का काम होंगे लोगों को घर देने, लोगों को सहूलत देनिया, सीधा सीधा प्रशासन का फेलीयर है। दुख की है, दुख इस गल का लगा कि जो ये बिल्डिंग डिगदी है, जो ये एड्डा वड्डा हादसा वापरदा, इहदे विच इन्हां लोगों का कई समान थले डिग पिया, कई लोगों का समान अजे उस खंडर के जिथे जा नहीं सकते, रिस्क ते ने उहदे विच पिया। अगले दिन मेरा ब्रदर ते मेरा बेटा 60 फुट थले गए, एको ही बैग चुके लाए क्योंकि वह मैंने बहुत जरूरी। उस प्रशासन ने कहा कि इन्हें तोड़ लिया जाए, वो ये कहते हैं तोड़ लो, और इन्हों शर्त की रखी जाती है कि जे इन तोड़द लागे जागे किसी का नुकसान होया तो थोड़े को भरपाई की जाएगी। मैं उस बिल्डर को भी थोड़े माध्यम राही मैसेज देना चाहता कि जिन्ना इन्हों का नुकसान होया, जिस तरीके इन्हों की मतलब सैटिस्फैक्शन होंगी है, जिस तरीके इन्हों की भरपाई होंगी है, जिस तरीके भी ये दोबारा सिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं, वो इन्हों का काम करा के दिता जाए। और जो मुख्यमंत्री नालों कल तुसी सुनो जी ध्यान तुहाडे चैनल के उत्ते चलिया सीगा कि मेरी भगवंत मान नाल गल हो चुकी है, तो जे भगवंत मान नाल गल हुई होंगी तो फिर बंदे जिहड़े दोषी सी फड़ के हुण तक दे अंदर, मुख्यमंत्री को छोटी मोटी पावर है यार, मतलब तुसी फड़ के अंदर दे देंदे। अमृतसर दे विच बीते दिनी मंदभागी घटना वापरी जिथे कि एक होटल का निर्माण हो रहा सी, तो उस तो बाद जो होटल के नाल एक बिल्डिंग टैंदी है, लेकिन उसके नाल कई घर भी तबाह हुए ने, ता उस दे बावजूद किसी तरह का कोई भी कंपनसेशन परिवारों को नहीं दी गई। तो अज मनदीप सिंह मन्ना हरी पुजे ने, लेकिन उन्होंने गलबात करन तो पहला असीं तुहानू हालात दिखा रहे हाँ। ये तुसीं जिहड़ा खड्डा देख रहे हो है किसी बॉम्ब ब्लास्ट का नहीं है, बल्कि एक बने एक होटल का है। अक्सर ऐसा तस्वीर तुसीं यूक्रेन दे विच देखिया होणगियां जिथे कि बंब पैंदे ने, तो इस तरह के खड्डे आते सी, तो बहुत सारी वीडियोज़ वायरल होंदियां सी, फोटोज़ वायरल होंदियां सी। तो ये जिहड़ियां त्रेड़ा ने किसी बंब दियां नहीं, बल्कि एक होटल दे निर्माण कार्य नूं लैके है। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सारिया चीज़ा आई सामने, लेकिन अक्सर आंकलन असी करते हैं। तो सरदार मनदीप सिंह मन्ना साढ़े नाल मौजूद ने। मन्ना जी, किड्डा क असी देख रहे हैं कि एक बेचारे घर च ही रह रहे सी, ते अपने घर चो आप ही बेघर हो गए ने। देखो सुमित जी, प्रशासन का काम होंगे लोगों को घर देने, लोगों को सहूलत देनिया, सीधा सीधा प्रशासन का फेलीयर है कि जो ये नक्शा पास होया, मतलब एक कह लिया जाए कि इस बिल्डिंग का नक्शा पास है, कहते हैं कि 40 फुट इनू परमिशन दी गई, और जो बिल्डर है वह कह रहा 40 फुट ही है, ये लोग कह रहे हैं 65 फुट है। मैं वो नहीं पैना चाहता कि जिन्ना चिर उसकी मिनती नहीं की जाती। जदों बिल्डिंग का नक्शा पास होया, नक्शे च एक चीज़ होर लिखी गई सी कि चारे पासे 20-20 फुट जिहड़ा वह छड के कंस्ट्रक्शन करेगा। तुसीं देख सकते हो कि 3-3, 4-4 फुट जिहड़ी वह जगह छड्डी गई, उस तो बाद इन्नी ज़्यादा डंगाई दे विच पुट दिता गया, इन्ना ज़्यादा मतलब वो खड्ड बना दी गई कि इन लोगों की पकड़ जी नीह की रह ही नहीं गई, और वह थले जड़िया डिगनिया शुरू हो गई। तो आ मकाना दे तुसी एक मकान देख रहे हो, ये 5-6 मकाना का ये वाला हाल है। और दुख की है, दुख इस गल का लगा कि जदों ये बिल्डिंग डिगदी है, जदों ये एड्डा वड्डा हादसा वापरदा, ये इन लोगों का कई समान थले डिग पिया, कई लोगों का समान अजे उस खंडर के जिथे वह जा नहीं सकते, रिस्क ते ने उहदे विच पिया, उहनू कढ़न तक की कोशिश भी नहीं की गई, कोई डिजास्टर टीम तक नहीं इत्थे आई कि हाँ जिहड़ा समान इन्हां दा बच गया उहनू कढ़ लिया जाए। उहदे लई भी जे इन्हां उपराला कीता, किसी नूं रिक्वेस्ट की कि साडा समान कढ़ दिता जाए सरकारी तौर पर, तो वह पैसे मंगते हैं कि यार एड्डा वड्डा हादसा तुहाडे सामने हो गया, इहदे विच इक इहनू खुशकिस्मती कह लो कि किसी की जान नहीं गई, पर दूजे पासे मैं बदकिस्मती कह सकता कि साडे देश च, साडे सूबे च, साडे शहर च जिन्ना चिर कोई मरदा नहीं उहनू किसी ने कोई सीरीयसली लैंदा ही नहीं, किस बंदे इहदे थले मरे किन्ने बंदे वो नहीं होया, तो शायद इस करके सीरीयस नहीं लिया गया। अज तुसी इहनां दे हालात देख रहे हो, आ पिछे एक मकान दे विच कंध है 40-50 फुट मतलब खड़ी की है, कंध खड़ी नहीं सॉरी वह सी बनी हुई है, किसी तरीके भी वह डिग पैनी है, किसी वेले भी वह डिग पैनी है, वह इन्हां दे घर दे पिछे है। इन्होंने कहा कि वह प्रशासन ने कहा कि इन्हू तोड़ लिया जाए, वो ये कहते हैं तोड़ लो, और इन्हों शर्त की रखी जाती है कि जे इनू तोड़द लागे चागे किसी का नुकसान होया तो थोड़े को भरपाई की, ये कुड़ी क्यों भरपाई करेगी, ये मतलब को मतलब ये को 2 नंबर का धंधा करते हैं, कोई स्मैक फीम बेचते हैं, ये लोग कितों की भरपाई करे, योजना बेहूदियां जड़िया शर्त रखी गई और किया जा रहा सारा कुछ। और बदकिस्मती है, इन लोगों को पहले दिन ये उपराला करना चाहिए सी कि इन लोगों का मुड़ वसेबा जिस तरीके भी होना से वो एफर्ट करना चाहिए। शुक्रवार एक गली दे विच बैठे ने अज साफ तौर दे उत्ते, अज मैं इत्थे शहर दे मेयर साहब नूं फोन कीता कि वो उन्होंने मैं कहा शुक्रवार का हादसा होया तुसीं क्यों नहीं आए, उन्होंने भी मैं दस्सिया कि मैं बाहर सीगा, मैं उस गल नाल सहमत हां कि चलो कोई बंदा किसे काम पै सकदा, अज वो इत्थे आए ने, इत्थे 1.5 घंटा लाग गए, उन्होंने अपना सारा प्रशासन अपनी टीम सारी सद्दी है, जिहड़ी दीवार ग्राउंड वाली उन्हें भी कराया जाऊगा, और इहदा नक्शा जिहड़ा वो कैंसल करन लई कहा गया कि प्रोजेक्ट कैंसल किया जाए। मैं नहीं चाहुंदा
मेरा यह मकसद नहीं है कि शहर के रुजगार भी आना चाहिए, शहर के चंगे प्रोजेक्ट भी आने चाहिए ने, पर इहदा मतलब यह नहीं कि तुसी लोगों दीआं कबरां मड़ा के अपने प्रोजेक्ट तैयार करो, वह बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। मैं उस बिल्डर नूं भी तुहाडे माध्यम राहीं मैसेज देना चाहुंदा कि जिन्ना इन्हां दा नुकसान होया, जिस तरीके इन्हां दी मतलब सैटिस्फैक्शन हुंदी है, जिस तरीके इन्हां दी भरपाई हुंदी है, जिस तरीके भी ये दोबारा सिक्योर अपने आप नूं महसूस करदे ने, वह इन्हां दा काम करा के दिता जाए। और जो तेरा होटल है उन्हों पूरे नॉर्म्स के मुताबिक नक्शे के मुताबिक जोड़ा वो बनाया जाए तो तेरा काम चलन दिता जाऊगा, नहीं तो इस तरीके रहन दिता जाऊगा। मन्ना जी जिदा ये लोग शरणार्थी बन के अच्छ बैठे ने, असं दिखा रहे अपने कैमरे की नज़र के नाल, सवाल है कि अकल हमेशा काम खत्म हो तो बाद क्यों आती है? देखो मैं फिर क्या कि बड़ा वड्डा नैक्सस है इन्हां लोगों नूं, तो हुण महसूस होया कि वो लागे मतलब सानू डिगना सीगा, दो तीन महीने तो ये रौला पा रहे सीगे। जिहड़े लोग इमोशनलैस फीलिंगलैस जिहड़े लोग इहो जिहे कम करदे ने शहर दे विच, उहनां वल्लों तो मतलब पांच सत्त बंदे मर भी जांदे हो तो इहनां दा मुल लाउंदे हो जिहड़े शाहूकार ने कि तुसीं पैसे किन्ने लैणे ने। हर बंदे की जान की कीमत होनी चाहीदी है, हर बंदे की जिंदगी की उहदे घर की कीमत होनी चाहीदी है। घर कोई भी बंदा जिहड़ा उह अपनी सारी उम्र की पूंजी ला के बणाउंदा है, तुसीं उहनां नूं घरां तों बेघर किया। मैं फिर कहिंदा कि देर आए दुरुस्त आए, आना तो बदलाव सीगा कि नैक्सस टुटने से, अज भी तुम शहर के हालात देख रहे हो, दो महीने तो सरकार बनी है, हुण ही वो काम रुक जाने चाहिए। एम एल ए साहब भी आए थे, वह कहते इन्हों की जरा है जो भी मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए। मैं एम एल ए साहब दी गल्लां नाल कल को बहुता सहमत नहीं सी जी, उदा तो मैनूं वो वधिया लगते सीगे, पर यह तरीका नहीं है, उसको ठोक दो, उन्हूं आह कर दो। इन्हां लोगों की भरपाई किस तरह होनी है, इन्हां लोगों का नुकसान कितना पूरा होना। मेरी पहल वो है, लोग जो मर्जी को कह लवे कि वह बंदा इन्हां दे मकान तैयार करावे, जे नवे कहिंदे ने नवे करावे, जिस तरीके इन्हां दे मकान सीगे उस तरीके तैयार किए जाने। मेरी इस गल ना मतलब सहमति है, जे मतलब वो अपना काम भी शुरू करना चाहता तो नॉर्म्स के मुताबिक आले दुआले किसी का नुकसान नहीं होना। कह रहे जी कि मैं तो इन्वेस्ट पंजाब तो सारी क्लीयरेंस लैके आया जी, मेरे को सारे कागज़ है। मैं फिर कह रहा जी सुमित जी, इन्वेस्ट पंजाब ने जो पास किया फिर वो अकॉर्डिंग बनाते ना, इन्वेस्ट पंजाब ने तो लिखा है 20-20 फुट जो छड़ के बनाया जाऊगा। दूजी चीज़ मैं इन्वेस्ट पंजाब भी कहना चाहना जोड़े अधिकारी ने कि अखा बंद करके शहर के काम ना कराया करो, शहर तो बकायदा वो रिपोर्टा लिया जानिया चाहिए ने। अमृतसर की जी धरती है ये जो भी इन्ना मतलब वो क्ढे ने नॉर्म्स जो भी ये स्टडी की गई है अज की नहीं, वो कागजा के है कि 20 फुट तो थले जी खुदाई करनी वो हानिकारक है। 20 फुट हाँ जी, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे दिना जी, सैलीब्रेशन मॉल के लागे वध खुदाई हुई जी, तो उत्थे भी मतलब लागे नाल दा होटल सीगा किसी का, उन्होंने त्रेड़ा आ गई तो वह डिग गया। कमिश्नर कोठी के लागे खुदाई हुई जिहड़ा आ माल रोड से कमिश्नर की कोठी है कारपोरेशन की, उत्थे कमिश्नर की कंध डिग पी। उस तो अगे आ जाओ ओमैक्स मॉल जिहड़ा नावल्टी वाला, उत्थे वध खुदाई हुई तो ओम प्रकाश की जिहड़ी वह कंध डिग पी। फिर इहो जिहियां परमिशन तुसीं उत्ते बैठे ना ना दे जाओ। मैं रंधावा साहब नाल गल कीती सी जिहड़े MTV ने जिले दे, कहिंदे जी असीं तां कई वारी चिट्ठियां लिखियां जी, पुलिस ने परचा नहीं दर्ज किया। मैं सुमित यही तो कह रहा कि यह बड़ा वड्डा नैक्सस है, ये चिट्ठियां लिखते ने, अगला बंदा उत्थे मैनेज करता, एक चिट्ठी थोड़ी असली लिखी है, मतलब ये करके छड़ दो, शहर च 100-150 बिल्डिंग वाली चिट्ठी लिखी होगी। इत्थे इहो जी मतलब त्रासदी भी देखने को मिलती है, इहो जिहा मंदभागा वेखन मिलता। मान लो तुसी बिल्डर हो, तुसी बहुत मतलब तगड़े हो, जो अप्रोच वाले हो, तुहाडे उत्ते जो कंप्लेंटेंट का पीड़ित का शिकंजा ज़्यादा कसया जाता तो कारपोरेशन ये कहने जाते हैं साड़ी जी फाइल वो पुलिस कमिश्नर को भेज दो, पुलिस वाले को भेज दो परचा लिखने लिए, उतों असं आपे रोक लाँगे। मतलब ये तोड़ना चाहिए। मैं मेयर साहब ने कहा कि पुलिस कमिश्नर नाल मीटिंग करनी चाहिए है कि गलत लिख के ना भेजा जाए किसी को डराने लिए, पर जो लिख के भेजा गया वो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। हूँ भी बिल्डर नाल गल हुई सी, कहिंदा जी मकान बना देंगे जी। हाँ जी बना देना, वो कहिंदा कि मैं रिपेयर करा दाँगा, रिपेयर होने वाले वो मकान नहीं है, उन्होंने एको ही शर्त रखी गई है कि जिस तरीके ये रिपेयर करवाना चाहन, ये नवे बनाना चाहन, ये लोग सैटिस्फाई होने चाहिए ने, इन्हों खुद अप्रोच करे और इन के जेडे मकान जो नुकसान इन्हों का होया इन्हों की भरपाई करे। मन्ना जी सवाल फिर खड़े होंगे कि मतलब साडा तंत्र अज इन्ना कमजोर हो चुका है कि असं इन्होंने चीज़ों के हादसे तो बाद बहुत सारी गल्ला करते हैं। इस तो वड्डी तंत्र की कमजोरी की होगी, कुंवर साहब IG रहे हैं जी जी, आई जी रेंदे हैं बतौर मतलब बादलों के खिलाफ या कैप्टन के खिलाफ जो इस्तीफा दिता जो तक वह MLA नहीं बने तो कि मतलब करते रहे उन्होंने जुझारूपन सेगा, तो मेरा ख्याल कल इतने भी वह सहाय जे लगन डे थे साडा प्रशासन नहीं ठीक, तो हुण तो सरकार चो तुसी को BJP बसपा दे थोड़ी हो यार, तुसी उत्थे जाके उन्हां नाल डट के गल करो भी आह बंदे गंदे ने बदलने वाले ने यार, तुसी किनू शिकायत कर रहे हो? मुख्यमंत्री साहब के द्वार से जाके गल करांगा मुख्यमंत्री नालों। कल तुसी सुनो जी ध्यान नाल, तुहाडे ही चैनल के उत्ते चलिया सीगा कि मेरी भगवंत मान नाल गल हो चुकी है, तो जे भगवंत मान नाल गल हुई होंदी तो फिर बंदे
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਗੇ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਮਿਤ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 5 ਮਕਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 20 25 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਘਟਿਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ MLA ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ MP ਕੌਣ ਹੈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਘਟਦਾ ਪਰ ਮੰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬੌਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਕੋ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਐਸਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਡਿੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੁਝ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਢਵਾ ਦਾਂਗੇ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਡਿੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 60 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਵਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗਹਿਣਾ ਹੀ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਗ ਪਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਚ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੱਲੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਖੁਦ 60 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ
कि जे मेरी वो जमा पूंजी भी चल गई तो मैं जी के भी की लेना फिर, मतलब मैं को मंगते बन के थोड़ी जीना। जो उन्हों का समान यो मेयर साहब न कहा गया कि जो उन्हों का समान क्ढन वाला जो बचिया जो डिगया उत्थे को टीम भेज के उन्होंने कढ़ाया जाए ना। मैं भी करना चाहवाँगी सू रीकंस्ट्रक्ट करवा के दौ, क्योंकि मेरे फादर इन लो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, मेरे जेडे हसबेंड है वो लुधियाने जॉब करते हैं, इतने मदर इन लॉ कल्ले ते छोटी सिस्टर है जी अनमैरिड है। मेरी थोड़े नाल इस गल की गरंटी है जी, मैं झूठे वादे नहीं करता ते ना मैं पॉलिटिशियन हाँ। सर कि पहली शर्त है कि थोड़े मकान रीकंसट्रक्ट किए जाएंगे, जेडे भी 5-6 का बहुता नुकसान होया नहीं होगा तो मेरे को झूठ ना बुलायो कि मैं 5 दे 5 6 दे 6 मकान तुम्हें कोलों बना के दे सकदा वा, पर मेरे ते तुसी इन्ना भरोसा करो कि जो भी थोड़ी सेफ्टी ली जो भी वधिया जिस तरह तुसी हैगा सीगा मैं उहदे विच एफर्ट करन तो अपने वल्लों भी कोई कसर नहीं छड्डांगा। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करदे ने, इसलिए छुट्टियां लैके असीं बैठे, किन्नी देर प्राइवेट जॉब वाली छुट्टियां दे? 1-2 दिन च ही तुहानूं रिजल्ट मिलेगा जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तां तुहानूं सांझे कीते आ कि लोकां दी जिस तरह दी मुश्किलां ने, तां फिलहाल उम्मीद करदे आ कि प्रशासन इस मामले दे विच अपना कोई चंगा रोल अदा करे। लेकिन मनदीप सिंह मन्ना हरा वल्लों अज के आ गया है कि अगर कोई बाँ नहीं फड़ूगा तो वह अगे मोहरी बन के आएंगे। लेकिन सवाल तो प्रशासन के उत्ते है कि आखिरकार इन लोगों का कसूर की सी, जे लोग अपने घर च रह रहे थे अज उन्होंने आशियाना उजड़ गए हैं तो वह एक लवारस लोगों वकन सड़कों पर सौन से मजबूर ने। सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।